हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायनाबॉल के बारे में और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं सेफ्टी के साथ। डायनाबॉल एक ओरल यानी कि टेबलेट फॉर्म में यूज किए जाने वाला स्टीरॉयड है जो जर्मनी और यूएसए में अराउंड 1957 से 1960 में डेवलप किया गया। ये ड्रग एथलीट्स और ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स में बहुत पॉपुलर था और इजीली अवेलेबल भी था। फ्रैंक जीन से लेकर आर्नोल्ड, ये सभी इस ड्रग के फैन हुआ करते थे। डायनाबॉल, एनाबॉल, डीबॉल के नाम से पॉपुलर इस मेडिसिन का 17th कार्बन एल्काइलेटेड है जो इसे थोड़ा टॉक्सिक यानी लीवर के लिए थोड़ा पॉइजनस बना देता है। डायनाबॉल और बॉडी बिल्डिंग का बहुत पुराना रिश्ता है और अभी भी ये कई कंट्रीज में इलीगली यूज हो रहा है। जनरली इसको इंजेक्टेबल स्टीरॉयड के साथ यूज किया जाता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट, इथेनेट या साइपनेट, और कई लोग इसे ट्रेनबोलोन के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं। डायनाबॉल टॉक्सिक क्यों है? जनरली किसी भी और मेडिसिन या ड्रग की तरह डायनाबॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को काफ़ी काम करना पड़ता है। इसे ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर की एंजाइम्स एलिवेट हो जाती हैं और क्योंकि ये 17 अल्फा एल्काइलेटेड है तो ये टॉक्सिक भी है। लीवर क्योंकि रीजनरेट होता है तो अगर आप इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करें तो लीवर की वैल्यू दोबारा नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ मैं आपको दूंगा एक टिप, और टिप ये है कि आप लीवर 52DS और मिल्क थैसिल को यूज़ करें जब भी आप डायनाबॉल की साइकिल चलाएं। और ये दोनों ही ड्रग काफ़ी चीप हैं। लीवर 52 आपको 100 रुपीज़ और मिल्क थैसिल अराउंड 300 रुपीज़ में मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आई नो आप वेट कर रहे थे डायनाबॉल के बेनिफिट्स जानने का। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है प्रोटीन सिंथेसिस। इससे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है और आपकी मसल फॉर्मेशन आसान हो जाती है। ग्लाइकोजिनोसिस यानी कि आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, आपको स्ट्रेंथ देता है जिससे आपका मास बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग आसान हो जाती है। डायनाबॉल से आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे कि आपका फैट जल्दी बर्न होता है और ये आपकी रिकवरी को भी काफ़ी फास्ट कर देता है। डायनाबॉल आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देता है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। डायनाबॉल की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है यानी कि 3 से 5 घंटे, और इसका बेनिफिट ये है कि आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ड्रग। बेनिफिट्स अभी बाकी हैं दोस्तों। ये बहुत सस्ती है और चीपली अवेलेबल है। ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को बढ़ाती है जिससे बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन रिटेन रहता है। आप इसको अपनी साइकिल में ऐड कर सकते हैं और आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया एज कम्पेयर टू एनी अदर ड्रग। और अगर आप इंजेक्शन से डरते हैं तो फिर समझ लीजिए कि ये आपका पक्का दोस्त है। डायनाबॉल के साइड इफेक्ट, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हाई एरोमेटाइजेशन जिससे एरोमेटेज नाम की एंजाइम बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि मेल बूप्स, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और टेस्टिकल श्रिंक भी हो सकते हैं। इससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है या आपको गंजापन भी आ सकता है। एरोमेटेज एंजाइम के बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, और क्योंकि ये टॉक्सिक है तो लीवर पे भी इसका अगेन इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट्स अभी और भी हैं।
इससे ऑयली स्किन्स, मुहासे, रेड रैशेस हो सकते हैं, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो सकता है, आपकी बॉडी में पानी भर जाता है और आपको मूड स्विंग्स और गुस्सा भी बहुत आता है। डायनाबल आपको कहाँ मिलेगी? बहुत इजी आंसर है, अपने जिम के कोच से बात कर सकते हैं या सप्लीमेंट स्टोर में आप पूछ सकते हैं। इसका प्राइस 5 से 10 रुपीज़ पर टैबलेट होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी टैबलेट परचेज कर रहे हैं। और ये कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ, पिंक, वाइट, ब्लू कलर की होती है, आप देख सकते हैं इसको, हेक्सागन, स्क्वायर, डिफरेंट शेप्स में आती है ये। अब मैं आपको बताऊंगा इसे आप सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ काफ़ी जेनरिक इन्फॉर्मेशन है स्लाइड में जो आप नोट कर सकते हैं, पर आपको लीवर प्रोटेक्शन हमेशा साथ में रखना है और एंटी एस्ट्रोजन हमेशा आपके पास रखना है, जो कि इंडिया में टेमोक्सिफेन सिट्रेट या फर्टोमेट क्लोमेट के नाम से आपको नॉर्मल मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। बेस्ट फूड खाइए, हाई प्रोटीन फूड लीजिए और ढेर सारा पानी पीजिए। ये जनरल फैक्ट्स हैं और आगे की स्लाइड में आपको मैं कुछ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। थैंक यू। डोजेस, आप 5 से 10 mg से स्टार्ट करें और इसको आप 4 to 6 week में धीरे धीरे बढ़ाएं, और आपको एक टैबलेट 4 to 6 hour के डिफरेंस के बीच में लेनी है। आप मैक्सिमम 50-60 mg पर डे तक ही रखें, उससे ऊपर ना जाएं। और अगेन मैं बोलूँगा कि PCT बहुत ज़रूरी है, यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। PCT सुपर इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लोमेड, नोलवाडेक्स, टेमोक्सिफिन, HCG इनको ज़रूर यूज़ करना है, और टिपिकली इनको आपको 1 month तक ज़रूर यूज़ करना है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई भी ड्रग या मेडिसिन तभी यूज़ करें जब आपको 5 से 6 साल का नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो, प्लीज़, और एटलीस्ट आपकी एज 25 ईयर्स हो चुकी हो। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको लिवर सपोर्ट और PCT ज़रूर करना है, और आप ये 3 ब्लड टेस्ट साइकिल के शुरू होने से पहले और एंड में ज़रूर कराएं। ये है किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन एंड लिपिड प्रोफाइल। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे ना यूज़ करें। और डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करिए या मुझे मेल करिए, और मैं आगे भी बहुत अच्छे और बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।